के दूसरे बड़े शहर क्योड़ा में एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान खुल जाने पर जहां आवाम खुश हैं, वहीं अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। शदीद गर्मी और तपश के बायस भी काने नमक क्योड़ा का दर्जा हरारत बाहर की निस्बत ठंडा है। मैं लाहौर से आया हूँ स्पेशली यहाँ पे खेड़ा माइन देखने, और यहाँ का जो मौसम है वो मुझे काफ़ी खुशगवार लगा है। जैसा कि बाहर आपको पता है कि गर्मी है, गर्मी का मौसम चल रहा है और धूप बहुत ज़्यादा चल रही है, मगर यहाँ पे आने के बाद आप एक ठंडक सी महसूस करेंगे जो कि आपके सेहत के लिए काफ़ी अच्छी है। सियाहों की आमद से नमक के मॉडल फरोख्त करने वाले दुकानदार भी खुश हैं, जबकि माइन इंतजामिया की जानब से काने नमक में आने वाले सियाहों को SOPs पर अमल करने की तलकीन भी की जा रही है। SOPs को यकीनी बनाया जा रहा है और नमक की कान के दाखिली रास्तों पर सियाहों को सख्ती से चेक किया जा रहा है। मौसम गर्मा शुरू है और यहाँ पर लोग जोग दर जोग आ रहे हैं माइन के टेम्परेचर को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि इसका टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर 18 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, जिससे माइन सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी पाई जाती है। जहाँ काने नमक से निकलने वाला नमक दुनिया भर में जायके तकसीम कर रहा है, वहीं अल्लाह ताला की कुदरत से शदीद गर्मी में काने नमक से निकलने वाली ठंडी हवाएं भी सियाहों को सुकून दे रही हैं। कैमरामैन मौसम बागड़ी के साथ जी TV पिंड दादन खान।